कैसे इसको करेंगे तो इसकी सिकाई बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि इसका कलर जो है किनारे इससे महफूज रहेगा आपका ये हाथ जलने से। और उसके बाद हम इसको कर देते हैं टन और सेम अमल हम करते हैं इसके दूसरी साइड पे। अच्छा, एक फायदा इसका ये भी होगा कि अगर रोटी या पराठे में गलती से ऑयल ज्यादा हो जाता है तो वे टिश्यू या जो किचन टवाल है उसकी मदद से आप वो ऑयल दोबारा वापस ले सकते हैं। ये लें जी, ये भी तैयार है, इसको हम कर देते हैं क्लोज यहां पे। अब बारी है होल को, हमने कुछ नहीं करना है इसमें, कोई किसी किस्म की सैलेड किसी किस्म की कोई चीज, सिर्फ जो चटनी हमने बनाई है हरी वो इसके ऊपर आएगी और चिकन के ये पीसेस जो हमने अभी अभी बना के रखे हैं आपके सामने हरे मसाले के साथ। और ये आ जाती है हमारी वो चटनी जो अभी अभी हमने बना के रखी है। और इस चटनी का थोड़ा सा इसमें जायका और बढ़ाने के लिए वो चटनी हम इस तरीके से इसमें डाल दें। ये वो चटनी बन गई है, अब आसानी से किसी को भी चैलेंज खिला सकते हैं कि ये लें जी दैट कॉल सम स्पेशल रोल्स। अच्छा जी, इसके लिए ले लेते हैं हम, और रोल को चाहें तो आप साबुत दे दें और चाहें तो इस तरीके से सेंटर से काट के यमी से रोल इस तरीके से हम दे सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। और अब बारी है जी कबाब वाले रोल को दिखाने की। कबाब वाले रोल को भी तरीका यही है कि ये जो कबाब हैं हमने यहां रखे हैं इसको, और एग्जैक्टली सेम अमल हम करेंगे वही चटनी का। चटनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी ये याद रहे, और उसके बाद सॉफ्ट हैंड से इस कबाब को हमने इस तरीके से रोल कर दिया। और इसका भी अमल वही होगा कि सेंटर से हम इसको नाइफ की मदद से दो हिस्सों में काट के और अपने मेहमानों को दे सकते हैं। ये आपके कॉकटेल्स गेट टुगेदर जो पार्टीज उसके लिए एक बेहतरीन और बहुत सिंपल सी चीज तैयार है। नाम आ चुका है मेरे पास आज एक जो विनर है, और वो होती हैं सिद्दीका, सिद्दीका फ्रॉम कराची। सिद्दीका, अगर आप हमारा ये शो इस वक्त देख रहे हैं या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप विनर हुई आज के इस स्पेशल एपिसोड्स की। चिकन रोल, बीफ रोल यानी कि कीमे के रोल तैयार हैं आपके सामने। इसका सेकंड ऑप्शन भी मैं आपको देता चलूं कि घर में जो खवातीन चपाती बनाती हैं नॉर्मल बगैर घी के, तो वो भी रोटी को बेल के और बना के इस किस्म के चिकन और इस किस्म के कबाब हम रोल करके और ये चटनी बना के हम उसमें रोल करके बच्चों को दे सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर बहुत ही उमदा किस्म का फ्लेवर आपको लेना है तो फिर आपको डो इस तरीके से बनानी होगी। और ये डो वो है कि अगर आज की बनी हुई पराठा या रोटी अगर हम कल भी इस्तेमाल करें तो वो इतनी ही नरम और इतनी ही मुलायम रहेगी जैसे ये अभी है। ये इसके पीछे जमानत मेरी खड़ी है। और विनर का नाम अनाउंस मैं कर चुका हूँ, वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन क्या ख्याल है उससे पहले हम देखें रेसिपी कार्ड, ताकि मेरे देखने वालों से अगर कुछ मिस हो गई ना हम उसको रीचेक कर लेते हैं। चलें जी, रेसिपी कार्ड पे आ चुका है पराठा। पराठे के अंदर हमने लिया था एक कप दरमियाने साइज का जो कप होता है, एक कप लाल आटा, एक कप सफेद आटा, नमक उसमें हमने बहुत हल्का सा यूज करा है, और घी हमने यूज करा उसके अंदर 3 टेबल स्पून। कबाब रोल आ चुके हैं जनाब आपकी स्क्रीन पे। कबाब रोल में हमारे पास कीमा था 1 पाव, प्याज दरमियाने साइज की 1 अदद, एक दरमियाने टुकड़ा अदरक का, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया हमने यूज करा था 1/4 गड्डी, अगर बड़ी है और छोटी है तो हम आधी ही इस्तेमाल करेंगे, गरम मसाला पाउडर हमने 1 चाय की चम्मची, नमक हसबे जायका, ये सारी चीजों को हमने हवाले कर दिया था मशीन के, और उसके बाद इसकी पकाई शुरू हो चुकी थी।
आ चुके हैं स्क्रीन पे चिकन रोल। चिकन रोल के लिए चिकन एक ब्रेस्ट यानी कि हाफ चिकन का जो हिस्सा होता है यानी कि दो ब्रेस्ट, धनिया था इसके अंदर क्वार्टर गड्डी, अगर बड़ी है और छोटी है तो हाफ, दही तीन खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मची, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चमचा, हल्दी आधी चाय की चम्मची, नमक हसबे जायका था और ऑयल हमने लिया था इसके अंदर तकरीबन दो टेबल स्पून के बराबर। हरी चटनी स्क्रीन पे आ चुकी है जनाब, इमली थी आधा कप इमली का पेस्ट, हरी मिर्च चार अदद थी, प्याज एक अदद टमाटर, हरा धनिया थे या हमारे पास आधा गड्डी, पुदीना थी हमारे पास आधा गड्डी और कुटी हुई लाल मिर्च थी एक खाने का चम्मच, और साथ में हमने इसको दे दिया था जायका थोड़े से नमक का। ये थी आज की, थोड़ी सी लग बड़ी रही थी लेकिन सिंपल रोल आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी कलर कॉम्बिनेशन कि दोनों रोल्स की मैं आपको दिखाता चलूं कि इसकी लुक कितनी अच्छी आ चुकी है। ये देखें आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये हम देख सकते हैं इसमें कोई सलाद और या प्याज या टमाटर खीरा इसमें शामिल नहीं होता क्योंकि ये पार्टी रोल्स और कॉकटेल रोल्स कहलाते हैं, साथ में चटनी या सॉस के सर्व होते हैं। बात हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, जी हाँ नेक दुआओं के साथ और रिक्वेस्ट है गुजारिश है मेरे अपने रब से कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, कुदरती आफत जो आज बलूचिस्तान में आई अल्लाह ताला इस किस्म की अपने कहर और अपने गुस्से से हमें महफूज रखे। हम गुनाहगार हैं मेरा रब लेकिन तू बख्शने वाला है, तू दरगुजर करने वाला है, महबूद हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे और हमें ऐसे किसी इम्तहान में मत डाल कि जो हम बर्दाश्त ना कर सकें, जो हम सह ना सकें। गुजारिश है मेरे अपने रब से, दुआ है मेरे रब से कि मेरा रब मेरी वो बेटियां जो इस वक्त अच्छे रिश्तों के मुंतजर हैं या मेरे वो वालदैन जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह ताला गैर से उनकी मदद फरमा दे। ये वो सिलसिला है मेरे प्यारे जो तेरे महबूब जिसको तू कहता है कि मेरा महबूब, उसकी सुन्नत उसकी उम्मत को बढ़ाने के, तो उसके सदके में उनके रिश्ते करवा दे ताकि उनकी गृहस्थियां बन सके। मेरा रब से दुआ है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे जरूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ ने कहा।